गाइस व्हाट्सएप, आई एम बैक विद नया वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं मेरा न्यू एचपी का लैपटॉप मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, और ये मैं खरीदी हूँ लोकल मार्केट एचपी हार्डवेयर शॉप से, और इसका कॉस्ट 33,000 के आसपास है, और ये बेस्ड है राइजन के नया प्रोसेसर से, राइजन 3 और एएमडी डुअल कोर में, और ये आता है DDR4 और रैम इसका है 4। तो ज्यादा कुछ बकूंगा नहीं, तो जल्दी चलते हैं वीडियो में और क्या देखते हैं इसका क्या नया फीचर्स आया है। और मुझको बोला जी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आ गए और ये बहुत फास्ट होगा, तो देखते हैं क्या। लेट्स अनबॉक्स इट। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे है एचपी का बॉक्स, और यहाँ पर ये एकदम सील है, न्यू है, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्या और चीज मैं खरीदे हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचपी का 15DB DB0186AU का है, और यहाँ पर AMD Radeon Ryzen 3 एंड 1TB का हार्ड डिस्क है, डीवीडी रॉ आप यहाँ पर ले सकते हैं, और वो बेस्ट है Windows 10, प्री इंस्टॉल Windows 10, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं DDR4 मीन्स रैम और वायरलेस और ब्लूटूथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका स्क्रीन फुल एच डिस्प्ले है और 15.6 रेशियो है। और मैं चाहता था कि मैं पेविलियन खरीदू, लेकिन मेरा वो जो अरे क्या बोलता है वो जो वन शॉपकीपर था वो मुझे बोला था ज्यादा रेंज में मत जाओ, मतलब ठीक है। ये देखो ये है एचपी का ब्रांडिंग, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डिलीवर्ड टू एचपी में खरीदा हूँ तो एचपी में आएगा। आप देख सकते हैं ये है हमारा हल्दिया का रेजिडेंस, दैट इज नो ये हल्दिया का रेजिडेंस नहीं है, और ये करीब 30,946 और टैक्स लेकर, लेकिन मुझको ऑफर में दिया था 33,000, और नवंबर 18 में इसका मैन्युफैक्चर हुआ था। तो ज्यादा बकूंगा नहीं, मैं अब सील करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो वाला मैं उसके साथ थोड़ा चीज भी खरीदूँ, जैसे कि ये पेन ड्राइव इसका फ्लिपकार्ट में प्राइस करीब 700 का है, लेकिन मुझे वो उसका जो सन है वो मेरे साथ पड़ता है, तो मुझको ए 16GB का पेन ड्राइव सिर्फ 200 मिला है, ओनली 200। यू कैन सी 16GB पेन ड्राइव ओनली 200, कैन यू इमेजिन दिस। ओके, और मैं और भी थोड़ी चीज खरीदू, मैं दिखाता हूँ। और ये है टारकस का, वो मैं फ्लिपकार्ट से खरीदू, वो मल्टी USB जैक है, ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ ये वाला, ये है, इधर दिखाता हूँ। इसको करते हैं साइड पे, और यहाँ पर थोड़ा पेपर बॉक्स है, और मैं एक HDMI केबल खरीदे हूँ, और मैं वो टीवी के एंड्रॉइड टीवी से कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर मैं और भी एक HDMI केबल खरीदे, और ये मैं कीबोर्ड एक खरीदू, एक्सटर्नल कीबोर्ड। मेरा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो मुझे पसंद नहीं लगता, तो मैं एक एक्सटर्नल कीबोर्ड और ये माउस भी खरीदे, वो मैं पहले से था, और यहाँ पर एक बैग खरीदी हुई, वो इसका करीब इसका प्राइस है आई थिंक 700। और यहाँ पर उसका बिल है, मैं दिखाता हूँ सब दिखाऊंगा। तो मैं अभी पेपर वर्क दिखाता हूँ। मैं दो पेन ड्राइव खरीदे थे, एक है वो ये देखो इसका प्राइस 27,000, और यहाँ पर क्या लिखा है 38, कितनी कम पे। और यहाँ पर बैकपैक के करीब 750 का है, और ये देखो पेन ड्राइव दिखाता हूँ ये देखो पेन ड्राइव ए वाला है 16GB का 250, और 32GB ओनली 381। They are kind-hearted.
Now let's open the box, and these are my contents. This is a pen drive, multi USB port or USB hub, mouse, keyboard, HDMI cable, and this is the backpack. So let's unbox my HP. मैं जब भी किसी चीज को अनबॉक्स करता हूँ मैं वो पीछे से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पीछे एक लॉक लगा होता है जो सभी लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं दिखा देता हूँ लॉक कैसा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा कुछ चीज नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स को कर देते हैं साइड पे, और यहाँ पर एक लैपटॉप का दिया गया चार्जर, और मुझे एक ऑफर में मिला था वहाँ पर, मैं वो वुमेन्स डे जब हुआ था तब खरीदा था, तो मुझे वुमेन्स डे ऑफर में मुझे मिला कि आप 2 साल के वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं कर दिया। ये देखो ये है थोड़ा स्पॉन्ज लाइक थिंग, एंड आई विल रिमूव दिस, तो थोड़ा सा पॉज कर लेते हो। नहीं, ये देखो मैं अब रिमूव करता हूँ इस घटिया चीज से, इसे करते हैं साइड पे, रिमूव करते हैं ये वाला शीट को। अब देख सकते हैं, अब दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है इसका फीचर्स। यहाँ पर ज्यादा कुछ चीज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर है वो फैन है, और यहाँ पर सीडी इंसर्ट करने के लिए पोर्ट है, यहाँ पर एक यूएसबी पोर्ट है, और एक ये है कैमरा का मेमोरी कार्ड और बड़ा बड़ा मेमोरी कार्ड घुसाने के लिए। यहाँ पर ये वाला मिलता है आपको चार्जिंग पॉइंट, अच्छे से दिखा दो, ये वाला मिलता है चार्जिंग पॉइंट, और ये लैन वैन आप कनेक्ट करने के लिए, ये है HDMI पोर्ट एंड्रॉयड टीवी से, आप यहाँ पर लिखा है HDMI, और ये है SS मतलब पेन ड्राइव वगैरह वगैरह घुसने के लिए, और ये है एक हेडफोन जैक। तो और ज़्यादा बकूंगा नहीं, तो डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं इसका क्या है, इसका प्रॉपर्टीज करते हैं इस साइट पे। थोड़ा सेटअप करने पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो तो एक्सटेंड वारंटी मैं ऑलरेडी एक्सटेंड कर दूँ, और ये राइजन 3 के बेस्ट में, और AMD रेडॉन का, ठीक है। और यहाँ पर है ये वॉल्यूम ग्रिल, ये बहुत ही फिनिश टच में आता है, लेकिन मुझे ज़्यादातर पता है कि आसूस का वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, तो आप मूवी देखने के लिए आप आसूस ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ऑन करते हैं यहाँ पर, ये देखो ये मेरा डैड का नाम है। मैं सेटअप कंप्लीट कर लिया, और मैं डैड के नाम से करा हूँ, और यहाँ पर देखो मैं बहुत सारा फोल्डर भी बना लिया हूँ, और यहाँ पर आपको पार्टीशन बनाना है, ठीक है। अब पार्टीशन बना ले, ये क्या है पाक हमारी यार, तो आपको दिखा देता हूँ इसका प्रोसेसिंग स्पीड और कितना गीगाहर्ट्ज़ में आता है। मैं वो पैवेलियन देखा था उसमें 2 गीगाहर्ट्ज़ आता है, लेकिन इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़। अब आपको दिखा देता हूँ, अब देख सकते हैं AMD Ryzen 3 2.5 गीगाहर्ट्ज़ विथ टर्बो बूस्ट ऑफ 3.5 गीगाहर्ट्ज़। आई थिंक दिस इज द बेस्ट लैपटॉप एवर आई हैव सीन। 64-bit ओरिजिनल डिस्प्ले, नो पेन टच। सो ये इसका कॉन्टेंट और क्या दिखाऊँ, और दिखा देता हूँ इसका पार्टीशन। और एक जरूरी बात, आप रिकवरी मोड
पहले बना लेना, ठीक है। मैं रिकवरी बना लिया और विंडोज में पहले बना 240 GB का 15.4 GB, देन 332 GB एंड 342 GB। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो में और फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक वेट करना और मेरा वीडियो सब्सक्राइब मानना, वीडियो क्या, चैनल को सब्सक्राइब मानना, ठीक है। बाय बाय।